बाजरा खाओ, बाजरा बाजरा। वो छोटे जो है ना चूजे, उनको भी निकालते हैं, उनको भी बाजरा खिलाएं। ये नीचे गिरा रही है, खुद नहीं खा रही, मुर्गी नीचे गिरा रही है इधर से। ये देख मुंह में उठाती है लेकिन ये नीचे गिरा देती है ऐसे। ये बच्चों के लिए है, खुद को भूख नहीं लगी होगी सुबह का टाइम है, अभी तो निकाला है उसने, एक दाना भी नहीं खाया, सब बच्चों को खिला दिया। बच्चे हैं कि बड़े होकर इसको मारेंगे। ये ब्लैक 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 मुर्गी है, ब्लैक मुर्गा है मेरे ख्याल से। ये देसी ऊपर से ये हो रहा है, थोड़ा सा कंट्रास्ट हो रहा है। ये देखिए ये छोटा सा रह गया, ये निकले, ये निकले, ये छोटे हैं बच्चे, ये छोटे चूजे हैं। वो आती है मारती है ना इसको, इसके पांच चूजे हैं ये, दूसरे कोई मिलाए हैं बाजार से लेके, तो एक दो दिन मिले नहीं है, तो बाद में जब लेके आए हैं तो इसको मिलाए हैं इनके साथ, तो ये मुर्गी मारती है। इसको पता चल गया कि क्योंकि ये चूजे मेरे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, वो नहीं है, तो इसलिए उनको वो मारती है। वो बेचारे जो है अकेले पड़ गए, कुछ मर रहे हैं और तीन चार मर गए हैं और बाकी जो है बचे हुए हैं। उनको छोटे चूजे जो है ना उनको निकालें, उनको भी खिलाएं थोड़ा सा। अभी जो है बाजारी चूजे जो है उनको खिलाते हैं थोड़ा सा। इसको खोलें अब, ये आ गया, ये आ गया। इनको अभी बाहर नहीं निकालते, बढ़िया मुर्गियाँ जो है ना वो इनको मारती है, तो इसीलिए जो है ना इनको अभी बंद किया हुआ है। अभी जो है इसमें तो खैर बंद नहीं रहेंगे, थोड़ा सा इसको बस खिला रहा हूँ, खिला के उधर कमरे में जो है ना इनको खोल देते हैं अलग से, कमरे में इसको खोल के इसका थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। दूसरा जो जख्मी चूजा था वो कहा, अभी इनको जो है अभी बंद करके रख दो, ताकि थोड़ी देर बाद जो है ना इसको कमरे के अंदर खोलेंगे। इसको भी करते हैं बंद, डब्बे में बंद कर दिए। ए बंदा